तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी यूट्यूब पर काम करते हैं और आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं, सो फ्रेंड्स आपने यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिस पर बताया जाता है कि यदि आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं सो आप लोग अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है ना, यानी कि गूगल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। सो आपने भी यूट्यूब पर किसी न किसी का वीडियो देख के और अपने वीडियो को प्रमोट करना चाहा और किया भी, बट आपने देखा कि आपके 2000 रुपये भी चले गए बट आपका वीडियो प्रमोट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों, अब आप सोचते हैं कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है वीडियो प्रमोट करने से, मतलब कि जो आपने कंपेन लगाया था तो वो कंपेन आपका रन नहीं हो रहा ठीक तरीके से, प्रॉपरली व्यूज नहीं आ रहा है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था कि, बट अब आप सोच रहे हैं कि जो एडसेंस जो गूगल एड्स का पैसा है तो मुझे रिटर्न लेना है, यानी कि अपना वापस पैसा लेना है, मेरा वीडियो प्रमोट नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि और कैसे आपके पैसे वापस आएंगे, यानी कि रिटर्न आएंगे आपको, आपको कैसे रिफंड होंगे, ठीक है ना। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा देना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी दिक्कत मुझे भी आई थी पहली बार जब मैं, सो फ्रेंड्स मैंने कैसे अपने पैसे रिटर्न लिए, कैसे अपना गूगल एड्स का जो कंपेन है वो कैंसिल किया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैसे आपने दिए हैं गूगल एड्स को, यानी कि 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये जितने भी दिए हैं, तो मान चलिए कि 2000 रुपये दिए हैं, तो जो पैसे आपने दिए हैं गूगल एड्स को, तो यदि वो पैसे आप रिटर्न लेना चाहते हैं, गूगल एड्स से वापस लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा? तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको अपना गूगल एड्स का अकाउंट कैंसिल करना होगा, यानी कि गूगल एड्स के अकाउंट पर जाना है, ठीक है। सो वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको जो आपने कंपेन रन किया है जिस भी वीडियो का, उसे कैंसिल करना है। फिर उसके बाद आपको गूगल एड्स का अकाउंट डिलीट करना होगा और उसके बाद फिर आपको जो पैसा है आपका वो आपके पेटीएम पर या फोनपे पर या जिस जिसके माध्यम से आपने पैसा दिया है गूगल एड्स को, तो वो पैसा जितना भी आपका बचा हुआ है तो 5-6 दिनों के अंदर आपके वॉलेट में आ जाता है, ठीक है ना। सो चलिए मैं अब आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा कंपेन है, मैंने एक वीडियो प्रमोट करने का प्रयास किया था बट मेरे वीडियो पर भी व्यूज नहीं आ रहे थे और केवल पैसे ही थोड़े थोड़े कटते जा रहे थे, ठीक है ना। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इस पर आना है और इस पर आने के बाद आपको यहाँ से एडिट पर जाना है और एडिट पर जाने के बाद आपको अपने कंपेन को कैंसिल कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आपको सेटिंग का ऑप्शन, तो इस सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है। फिर यहाँ से आपको बिलिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपका जो पैसा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर दोस्तों, अपना पैसा चेक करने के बाद आपको दोबारा से सेटिंग पर आना है और सेटिंग पर आने के बाद इस बार आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन पर जाना है। मैं जाता हूँ प्रेफरेंस पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पेज दिखाई देगा। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट मैं कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका अकाउंट स्टेटस है वो अभी एक्टिव है, ठीक। फिर आपको इसी एक्टिव यानी कि अकाउंट एक्टिव पर क्लिक करना है यहाँ पर साइड से, तो आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर साइड में नीचे राइट साइड आपको एक ऑप्शन मिलता है कैंसिल योर अकाउंट, ठीक है ना। सो यहाँ से दोस्तों आपको अपने अकाउंट को कैंसिल कर देना है। तो देखिए कैंसिल माय अकाउंट, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। फिर दोस्तों, अकाउंट कैंसिल होने के बाद आप इसे कभी भी रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, आपको ईमेल पर ये एक एसएमएस भेज देंगे, ठीक है। आपको इसी ईमेल में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आई है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आपके पैसे हैं जितने बचे हुए हैं, तो उन पैसों को हम 6 से 7 दिनों के अंदर अंदर रिफंड कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि आपको वो पैसा रिटर्न कर देंगे। तो देख भी सकते हैं मेरा जो टोटल पैसा है वो 1987 रुपये है और ये मैंने लगाया हुआ था वीडियो प्रमोट करने के लिए बट मेरा वीडियो प्रमोट नहीं हुआ है। सो ये पैसा मुझे रिटर्न भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों, ये पैसा मुझे रिटर्न आ भी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो क्लिप मेरी तब की है जब मेरा पैसा रिटर्न आ चुका था। सो जब आप दोबारा से अपने अकाउंट पर आएंगे यानी कि एड्स अकाउंट पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको योर बैलेंस में शो होगा कि आपके पैसे जो हैं जा चुके हैं, हमने रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको पेटीएम पर जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने जो गूगल एड्स को पैसा सेंड किया था तो अपने पेटीएम वॉलेट से ही किया था। सो मैं आपको वहाँ जा कर के दिखाता हूँ कि मेरा पैसा आया है कि नहीं आया, ठीक है ना। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरा पैसा लगभग 10 से 12 दिनों में, हाँ 10 से 12 दिनों में मेरा पैसा रिफंड हो चुका था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ। दोस्तों, मैं यहाँ पर पहले से पेटीएम चेक कर लिया है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ बैलेंस हिस्ट्री पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1987 रुपये दोस्तों मेरा गूगल एड्स अकाउंट में था और ये पूरा का पूरा पैसा मेरा रिटर्न हो चुका है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स,
आपका पैसा वापस आ जाता है लगभग 2 हफ्ते के। सो वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।